ये किशोर का एक यहाँ पे गैंग है, किशोर वाधानी और गिरीश मतलानी की एक गैंग है, जिसके द्वारा ये लोग जो लोग इनके खिलाफ जाते हैं या खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करवाकर बात पेश करके जज से सेटिंग करके एक यहाँ पे यायावर खां करके अधिवक्ता हैं, वो उनके उस गिरोह के लीडर हैं, उनके मार्गदर्शन में वो झूठे केस मतलब पूरा गिरोह जिसके अंदर कुछ लड़कियां भी शामिल है और वकील भी शामिल है, ये सब झूठ इस प्रकार जो भी वाधवानी परिवार के खिलाफ बोलता है या मतलानी परिवार के खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज हो जाते हैं। इसका सबूत उन्होंने हमारे खिलाफ गोविंदपुरा थाने में अजय सिसोदिया नाम के व्यक्ति जो कि उनके यहाँ का मार्केटिंग मैनेजर है दबंग दुनिया का, उसने रिपोर्ट करवाई गोविंदपुरा थाने में, जबकि वो भी निवासी इंदौर का है, गोविंदपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे साथी जो मेरा सहयोग कर रहे हैं उनके और मेरे नाम की कि जगदीश प्रसाद तालीवाल और निखिल अग्रवाल दोनों ने एक लड़की को लेके आए, कार में बिठाया और उनके जो वो मार्केटिंग मैनेजर अजय सिसोदिया है उसके उसको डरा के धमका के उससे 40,000 रुपये और 10 चेक छीन लिए हमने। ये रिपोर्ट गोविंदपुरा थाने में दर्ज कराई, जिसकी जांच करने के बाद वो खात्मा हो गई रिपोर्ट। फिर उन्होंने दूसरी रिपोर्ट हमारे खिलाफ अजाक थाने में करवाई कि एक लड़की के जो रेप पीड़िता लड़की है उससे रिपोर्ट करवाई, वो हमारे मित्र निखिल अग्रवाल के खिलाफ करवाई, वो भी जांच के बाद खात्मा हुई, उसकी खारिज हुई, जांच के बाद खारिज हुई और उसकी खारिजी रिपोर्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके बाद उन्होंने तीसरी रिपोर्ट कोई भीजा थाने में झूठी करवाई, उसके खिलाफ वो लड़की अपराधी पाते हुए उसने हमारे मित्र को धमकाया तो थाने वालों ने संज्ञान लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसकी FIR की कॉपी भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इतने से भी इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने जीतू सोनी को इंदौर में हायर किया, उससे हमें धमकवाया और उसने उसके पेपर में हमारे खिलाफ झूठा छापा, छापने के बाद उसकी रिपोर्ट भी मैंने विजयनगर थाने में करवाई है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। इस प्रकार हर जगह पुलिस हमारा सहयोग नहीं करते हुए उन लोगों का सहयोग कर रही, जबकि वो लोग लॉकडाउन में जबकि कृषकों का दूध खेती की फसल सब के लाले पड़ गए और उन्होंने हजारों करोड़ रुपए इस दौरान लॉकडाउन के दौरान गुटका जाली गुटके बना के पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं। डीकेएन जिला नीमच के निवासी हूँ। मैंने सन 1986 में इंदौर विकास प्राधिकरण में लीज टेंडर के द्वारा एक प्लाट भूखंड मेरे नाम पे आवंटित हुआ था, स्कीम नंबर 54 का PU3 प्लाट होटल के लिए आवंटित था, वो मेरे नाम पे अलाट हुआ था। इंदौर विकास प्राधिकरण के नियमानुसार उस प्लाट की मूल आवंटित के अलावा किसी अन्य के नाम पे लीज नहीं की जा सकती थी, और जब तक उस पर भवन निर्माण नहीं होता तब तक उसे किसी प्रकार खरीदा अथवा बेचा या किसी प्रकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। ये चूंकि उस वक्त मैं इंदौर से 350 किलोमीटर दूर का निवासी था और आवागमन के साधन भी सीमित थे, इसलिए मैंने अपने एक परिचित तुलसीदास मनमानी को अपना आम मुख्तियार नियुक्त किया उस प्लाट की देखरेख एवं उससे संबंधित शासकीय कार्यों को करने के लिए। तुलसीदास मनवानी और गिरीश मतलानी पहले श्रीकृष्ण मतलानी थी, अब वो स्वर्गवासी हो चुके। गिरीश मतलानी और वाधवानी परिवारों ने मुझे भरोसे में रखकर कि ये प्लाट पे रेशो डील में अपनी होटल बन रही है, होटल निर्माण होने के बाद इसकी लिखा पढ़ी होगी, उससे पहले अपन लिखा पर कोई अनुबंध नहीं कर सकते हैं, अचानक होटल का निर्माण अपने प्लाट के ऊपर हो रहा है, ऐसी स्थिति में अपने को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, जब होटल निर्माण पूर्ण होगा तो अपन इसका जो अनुबंध है वो तैयार कर लेंगे।
जब होटल कंप्लीट होने को आया और मैंने उनको बार बार कहा कि भैया अब अपन अपना अनुबंध तैयार कर लें, तो वो टालम टूल करते रहे पहले, फिर उन्होंने डराना धमकाना शुरू करा कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पता नहीं लगेगा अगर तुमने इस होटल का नाम लिया तो। फिर मैंने विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, उस पर चूँकि ये लोग काफ़ी संभ्रांत और पैसे वाले हैं इसलिए इन्होंने वहाँ मेरा रिपोर्ट का खात्मा करवा दिया। उसके बाद मैंने एसटीएफ में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहाँ एक अरुण मिश्रा करके एसपी थे, वो वाधवानी परिवार के काफ़ी निकटस्थ होने के कारण उन्होंने वहाँ पे बिना मतलब जांच किए बिना मतलब स्थिति को जायजा लिए बिना उन्होंने उसे निरस्त कर दिया। उसके बाद मैंने लोकायुक्त में आवेदन दिया, वहाँ पर भी अरुण मिश्रा का ट्रांसफर हो गया था तो उन्होंने वहाँ पे भी उसको बिना फाइल देखे उस पर सुनवाई करे उसको उसका खात्मा करवा दिया। उसके बाद मैंने ईओडब्ल्यू में आवेदन दिया, ईओडब्ल्यू में मेरे आवेदन के ऊपर दिनांक 26/10/2019 को वो प्रकरण दर्ज किया गया जिसमें तुलसीदास मनवानी, गिरीश मतलानी, चांदनी देवी मतलानी और तुलसी हिना वाधवानी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 और भारतीय दंड विधान की धारा अपराध क्रमांक 44/2019 है। चूंकि ये लोग काफ़ी प्रभावशाली और पैसे वाले हैं तो इन्होंने हर जगह साठ गांठ करके इन्होंने जो लीज डीड आवंटित के अलावा किसी नाम पे नहीं हो सकती थी उन्होंने एक फर्जी कंपनी जेपीएंड कंपनी बनाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने उसकी जेपीएंड कंपनी के नाम लीज डीड करवा दी। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने किसी भी प्लाट का एक ही आवंटन क्रमांक और एक ही दिनांक से दो व्यक्तियों को अलर्ट नहीं किया जा सकता। ये आश्चर्य आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो प्लाट मुझे आवंटित किया उसका प्रमाण पत्र जेपीएंड कंपनी के नाम दे दिया, वो मैं सबूत आपको अभी दे रहा हूँ। इसके अलावा जेपीएंड कंपनी ने कभी तुलसीदास मनवानी को मुख्तियाराम नियुक्त ही नहीं किया, बिना आम मुख्तियार नियुक्त किए ही उन्होंने जेपीएंड कंपनी तरफ तुलसीदास मनवानी लीज डीड करवा दी और उन्होंने मेरे ये तमाम सबूत इंदौर विकास प्राधिकरण की फाइलों में मौजूद हैं। इसका एक भी सबूत मुझे देने की आवश्यकता नहीं, टोटल फ्रॉड के सबूत, टोटल दस्तावेजी प्रूफ इंदौर विकास प्राधिकरण की फाइल में मौजूद हैं। उसके बाद इन लोगों ने हमारे खिलाफ इसमें माध्यम से आप लोगों की कलम में ताकत है, आप लोग मेरा सहयोग करिए और मुझे न्याय दिलवाइए, मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूँ। सही तथ्यों पर जो तथ्य मैं अभी आपको प्रेस नोट में दे रहा हूँ उनके ऊपर जांच नहीं की जा रही, जांच को घुमा फिरा के खात्मा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग मेरा सहयोग करें, किसान का सहयोग करें, पूंजीपति जो लोग की मतलब गलत काम करके हजारों करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगा रहे हैं, वो लोग अपने कुछ पैसों से मतलब अधिकारियों को खरीद कर सही बात को दबाना चाह रहे हैं, तो आप लोग मेरा सहयोग करें और सही काम के लिए मैं आपका सहयोग की अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से, आप लोग आपकी कलम की ताकत से मुझे न्याय दिलवाने का कष्ट करें। सर अपने जीवन का जो भी कमाई थी वो लगा के वो भूखंड खरीदा था क्योंकि वो मेरे बच्चों की और मेरे परिवार की आशाओं का एक केंद्र था जो खत्म हो गया, इसलिए मैं अब आमरण अनशन पे आज से बैठ रहा हूँ ईओडब्ल्यू कार्यालय के सामने। जब तक मुझे या तो न्याय मिले या फिर मुझे तो मरना ही है, वैसे भी मर के जी के क्या करूंगा, मेरा तो सब तो सपने टूट गए मेरे। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब आवेदन पे आवेदन देने के बाद ही ये पूंजीपति लोग अपने धन बल के इस पे सब जगह ये करवा देते हैं। अब केवल एकमात्र आशा आप लोगों से है कि आप मुझे न्याय दिलवा सकते हैं। आपका नाम बता दो।
जगदीश प्रसाद पालीवाल।